हेलो, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और कल हमने पढ़ा था वेक्टर के बारे में, उसके एडिशन सब्सट्रैक्शन के बारे में, फिर हमने पढ़ा उसके रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में। छोटा सा टॉपिक था और अभी हम जो शुरू करने वाले हैं थोड़ा डीप वाला टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। हालांकि टॉपिक बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, पर डरिए मत, कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी ओके। बहुत छोटा सा टॉपिक है। डीपली इस लेक्चर को 2-3 बार आराम से देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ, देखिए मैं पहले आपको फ्लो चार्ट बता देता हूँ। ओके, हम पहले पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की बात करें तो ये दो तरह के आते हैं। एक आता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और एक आता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको हम क्या यार, हाँ तो वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर स्केलर प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो स्केलर प्रोडक्ट फिर दो तरह के होते हैं। जब हम निकालेंगे तो एक हमें ए डॉट बी के हिसाब से आएगा और दूसरा हमें ए वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप और बी वेक्टर डी आई कैप प्लस ई जे कैप प्लस एफ के कैप, इस तरह से आएगा। कोई भी एक जो हमारा जो नंबर्स होता है वो होगा ए बी सी डी एफ की जगह पे, और ऐसे उनके डायरेक्शंस दिए होंगे। सेम गोज विद दिस, एक आएगा ए क्रॉस बी के हिसाब से और एक आएगा ए वेक्टर यानी कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक आएगा इसके तरफ से। पहले हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, अगर इसकी बात करें तो ये होता है, इसका जो डेफिनेशन होता है वो बेसिकली ऐसा होता है कि दो वेक्टर जब होंगे, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर होंगे और इनके बीच में अगर एंगल थीटा है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना, ए डॉट बी, दैट विल बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, दैट विल बी देयर प्रॉपर आंसर। अब जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जो दिखने को मिलता है, दैट इज कि अब हम कॉस थीटा कैसे निकालें। जो थीटा है, अगर सोचिए बाकी दोनों देते हैं, ए का मैग्नीट्यूड दे दिया, बाकी सब दे दिया, तो हम थीटा कैसे निकालें। अभी देखिए, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ मैं, ऐसे निकल जाएगा हमारा कॉस थीटा का वैल्यू। फिर और अगर इस पर इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स के बारे में देख लेते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, दे आर वर्क, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हम हमेशा से पढ़ते आते हैं, बट नहीं, एक्चुअली वो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ एस कॉस थीटा। इसमें एक और पॉइंट आता है अगर हम बात करें तो, दैट इज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अगर इसकी बात करें तो ये कुछ ऐसा होता है कि ये अगर ये ए वेक्टर है, क्या यार ये बोलता हूँ, बी लिखता हूँ, क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है हमारी जिंदगी के साथ। तो जो भी वेक्टर होता है, तो बेसिकली जब हम ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालते हैं ना, तो ये ए है, यहाँ का बीच का एंगल थीटा था, तो ए बी कॉस थीटा होता था। तो अगर हम ए बी कॉस थीटा को बी ए कॉस थीटा लिखें तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, नहीं है। तो ए का ए कॉस थीटा का कॉम्पोनेंट इधर आ जाएगा,
ये है ए कॉस थीटा, दिस इज हाउ इट इज, कि ए का कंपोनेंट बी के ऊपर, तो ए कॉस थीटा जो आया उसका जो प्रोजेक्शन था वो बी के ऊपर आ गया, और बी जो है वो ऑलरेडी एक वेक्टर था हमारे पास इस समय ए डॉट पी। अगर हम इस पे बात करें तो प्रोजेक्शन ऑफ ए को हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए इंटू कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा का वैल्यू हमने अभी निकाला, कहाँ क्या वो कॉस थीटा का वैल्यू ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए डॉट बी बाय ए बी से लिख सकता हूँ मैं, राइट। अब इसके साथ ये ए ए कट जाएगा, इज इक्वल्स टू ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, दिस इम्प्लाइज ये भी वेक्टर्स था ए, ये बी वेक्टर बाय बी का मैग्नीट्यूड क्या होता था, बी कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी कैप, मतलब क्या समझ में आया आपको कि ए का जो मैग्नीट्यूड और उसका जो डायरेक्शन है उसका एक प्रोजेक्शन गया बी के डायरेक्शन के अलोंग, उसी को कहते हैं प्रोजेक्शन। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, वो था ये वाला, अगर हमें सबको अलग अलग कंपोनेंट के हिसाब से दे तो हम उसका आंसर कैसे निकालें। इसका डेरिवेशन एक है जो कि मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, आप बस इतना लर्न कर लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं डॉट प्रोडक्ट में, डॉट में इसका जो फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट में, दैट इज ए डॉट बी विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर, क्या था यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, ए वेक्टर जो था वो था ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और जो बी वेक्टर था वो था डी आई कैप प्लस ई जे कैप प्लस एफ के कैप, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए डॉट बी विल बी इक्वल्स टू ए इंटू डी आई कैप प्लस बी इंटू ई जे कैप प्लस सी इंटू एफ के कैप, राइट। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसका क्या हो जाएगा, करिए 5 सेकंड देता हूँ, अब खुद करिए फिर बताइए, इसी फॉर्मूला से ट्राई करके देखिए। जैसे हमने ये पहले वाला किया कि ए डॉट बी का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ऐसे ही ये कीजिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे वो डॉट वाले का जैसे था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, हो गया। अब मैं करता हूँ कैसा था, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 7 इंटू थ्री आई कैप प्लस 3 इंटू 2 जे कैप प्लस 4 इंटू 1 के कैप, दैट इज इक्वल्स टू 21 आई कैप प्लस 3 इंटू 2 6 जे कैप प्लस 4 के कैप, इसका आंसर हो जाएगा ये। एक और क्वेश्चन करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यहीं पे था वो तो यहीं पे कर लेते हैं, लेट से कि हमारा वर्क डन निकालने को बोला है एंड गिवन है फोर्स इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, और डिस्प्लेसमेंट जो दिया है दैट इज 3j कैप प्लस 3k कैप, यहाँ पे निकालिए। देखिए जब ये एक बता देते हैं हम, 3i कैप में है और इधर i कैप में कुछ नहीं, इसका मतलब होता है 0i कैप, जिसमें कुछ नहीं है 0i कैप, तो ये कैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हमारे पास 3i कैप जो 3i कैप जो उधर है उसके जगह यहाँ पे 0i कैप है, और यहाँ पे जे कैप नहीं है यानी कि इधर 0j कैप है, यानी कि इधर 0j कैप है, तो ये कैसा हो जाएगा 3 इंटू 0i कैप प्लस 4 इंटू 3 k कैप प्लस 3 इंटू 0j कैप, तो ये दोनों कट जाएंगे दैट इज 4 इंटू 3 12 k कैप आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। अब हम आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो यहां होता है कि ए क्रॉस बी जो होता है ना, पहले ए क्रॉस की बात करते हैं जो हमें वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, क्या यार, हाँ ए का मैग्नीट्यूड
इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा हो जाएगा। ये सब पढ़ने के बाद मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताऊंगा आपको, पहले एक दोनों के बारे में जान लेते हैं। और अगर ये ए और बी को कंपोनेंट वाइज दिया हो, कंपोनेंट यही ले आते हैं, अगर ऐसे दिया हो तो इधर आपको डिटरमिनेंट करना पड़ता है। डिटरमिनेंट मतलब यहाँ आप आई कैप, जे कैप और के कैप लिख लीजिए, यहाँ बक्से बना दीजिए ऐसे, इधर ए इधर बी लिख दीजिए, इधर इसके वैल्यूज लिख दीजिए 7, 3, 4, 3, 2, 1। फिर हमें एक चार्ट बनाना है, ये मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ आपको। इधर एक बॉक्स माइनस में आई कैप, माइनस इधर एक बॉक्स माइनस में जे कैप, फिर इधर एक बॉक्स बीच में माइनस और के कैप। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आई के बारे में लिख रहे हैं तो आई का रो और आई का कॉलम छोड़ देंगे। ये इंटू ये 3 × 1 − 4 × 2, 3 × 1 − 4 × 2। और यहाँ उसके बाद जे के लिख रहे हैं तो जे का छोड़ देंगे, यानी कि 4 × 3। देखिए इधर गए इधर खत्म के, तो इसको स्किप कर देंगे, इधर आ जाएंगे हम 4 × 3 − 7 × 1। फिर हम आ जाएंगे इधर के का अब छोड़ देंगे, अब आई पे जंप कर लेंगे 7 × 2 − 3 × 3, 7 × 2 − 3 × 3। इसका जो आंसर आ जाएगा 3 − 4 × 8 आई कैप, −4 × 3 = 12, −7 कितना था 7 × 2, अरे क्या था ये 4 × 3 = 7 × 1, अच्छा 7 था के कैप। और यहाँ आ जाएगा 7 × 2 = 14, −3 × 3 = 9, जे कैप के कैप इज इक्वल्स टू 3 से 8 जाने पर −5 आई कैप, माइनस ऑफ 12 − 7 = 7, 8, 9, 10, 11, 12, दैट इज 5 जे कैप, एंड इधर 9 फिर 5 इधर भी −5 के कैप, ये आ जाएगा मेरा आंसर। और जो ये आंसर आएगा ये आंसर हमेशा एक्सियल होगा, एक्सियल फैक्टर आता है। जब जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा जो क्रॉस होता है वो किसी कंपोनेंट में नहीं जाता, जैसे वहाँ पे प्रोजेक्शन निकाले थे वो किसी के प्रोजेक्शन में नहीं जाता, वो एक्सियल जाता है, जैसे मैंने इस फिगर में पता है। ये दोनों वैक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो यहां से जाएगा, देख रहे हो। और ये जो निकालते हैं ये हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। राइट हैंड थंब रूल मतलब अगर हमें ए क्रॉस बी दिया है और ए ऐसा है बी ऐसा है, तो हम ए के तरफ से बी के तरफ क्रॉस करेंगे हाथ को, हाथ को ऐसे बेंड करेंगे, किधर आया डायरेक्शन नीचे की तरफ, दिस विल बी एक्सियल। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं हम आपको। जैसे कि हमने अभी दो चीजें पढ़े, एक चीज था कि डॉट डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में अगर मैं फिर से आऊं तो हमारे पास था ए डॉट बी, दैट इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अब ए बी कॉस थीटा का वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगा, ये तो कॉन्स्टेंट है बी भी कॉन्स्टेंट है, जब सबसे ज्यादा कॉस थीटा का वैल्यू होगा तभी ए बी का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। कॉस थीटा का वैल्यू सबसे ज्यादा कब होता है, 0 डिग्री पे, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू जो एफ एस पढ़ा था हमने क्लास 10 में, दैट इज ओनली वेन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक जगह लग रहा हो, अगर बक्सा इधर लगा है फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, देन इट इज देन द वर्क डन इज ओके विथ एफ एस, वरना हमें एफ एस कॉस थीटा लगाना पड़ेगा। तो जब 0 डिग्री होता है थीटा का वैल्यू, जब जब थीटा इज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तभी ये काम करता है। अगर यहाँ बक्सा लगा है, अगर ये फोर्स मैं यहाँ से हटा दूँ और इसको लगा दूँ इधर, तो इधर एफ का कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, एफ कॉस थीटा, इधर अगर थीटा एंगल है देन, तो अब आ जाएगा आपका फोर्स वर्क डन का जो हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू एस। अब समझ में आई बात। अब हम बात करते हैं कि ये मिनिमम कब होगा, मिनिमम तब होगा जब इसका वैल्यू 0 होगा। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पे ऐसा होता है,
तो अगर 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 बक्सा इधर है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट आगे, डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, दैट्स इट। उसके बाद हमारे हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट के बाद क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट का हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू भाई कब निकलेगा? क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा आ जाएगा। जो साइन थीटा है उसका हाईएस्ट वैल्यू कब होता है? जब एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। तो जब जब ये जो ए और बी वेक्टर है ना, इन दोनों के बीच में जब 90 डिग्री होगा, जैसे कि हम अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो ये आर है, ये आर है और इधर लग रहा है भी, तो ये भी इंटू भी क्रॉस आर तभी सबसे ज्यादा होगा, ओमेगा सबसे ज्यादा तभी होगा जब उनके बीच में एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री, मैक्स एट 90 डिग्री, और मिनिमम कब होगा? मिनिमम एट 0 डिग्री। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। अगर सोचिए एक क्रॉस बी, ये थोड़ा आता है एग्जाम में, अच्छा मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन कर लो, ए डॉट बी इज इक्वल टू रूट थ्री ए क्रॉस बी, ऐसे ग्राफ्स के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू, यानी कि ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री ए बी साइन थीटा, राइट? तो ए बी कट गया, देन रूट थ्री इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1/√3 इज इक्वल्स टू 10 थीटा लिख सकता हूँ मैं। 10 थीटा का वैल्यू कब 1/√3 होता है? 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, खत्म, दैट्स इट। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर रह गया इधर तो एक और लेक्चर तो लाएंगे हम रिविजन का, उसमें हम आपको बता देंगे। अभी के लिए तो कोई फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोसीजर जानने की जरूरत नहीं है, इतने में आपका सब हो जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी, हाँ इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट्स के। क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल वही होते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, फिर जो आपका टॉर्क आ गया, टॉर्क एफ आर साइन थीटा होता है वो। बाकी जो प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस में बाकी सब कुछ करना है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। सो नेक्स्ट लेक्चर हम बॉटनी का लाएंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, बाय टाटा।